Dear students today we will discuss the translation portion of this poem mist which is written by P G Wodehouse do you remember who is P G Wodehouse he was an english comic novelist short story writer lyricist and playwright with many popular novels stories and poems to his credit the Jeeves and Woodster stories are the most famous amongst them. Now we will start the translation portion of this poem, Mist. The sun in the heavens was beaming, the breeze bore an odor of hay, my flannels were spotless and gleaming, my heart was unclouded and gay. the ladies all gaily appeared sat round looking on at the match in the tree tops the dicky birds carol all was peace till i bungled that catch तो इस पोएम में पीजी जी बता रहे हैं कि जो सूर्य है वो आसमान में निकला हुआ है और वो जो है सबको हीट और लाइट एनर्जी दे रहा है मतलब रोशनी भी दे रहा है उसके साथ गर्माहट भी दे रहा है और जो है हवा जो है बह रही है और वह खुशबू को सारी तरफ फैला रही है और जो पोइट है उन्होंने जो है फलालैन के कपड़े जो है वो जो कि बहुत सॉफ्ट से होते हैं कॉटन बेस वो पहने हुए हैं और वो उनके वो कपड़े बहुत चमक रहे हैं और उनका हृदय जो है वो बहुत ही साफ है और खुश मिजाज हैं वो स्वभाव से और वहाँ पर लेडीज बैठी हुई हैं औरतें बैठी हुई हैं जो कि वहाँ पर बैठकर मैच को देख रही हैं और पेड़ों पर छोटे छोटे पक्षी बैठे हुए हैं जो कि बहुत प्यार से गाना गा रहे हैं चह चहा रहे हैं देखने में बहुत खुश लग रहे हैं ऑल द पीस टे लाइक दैट मैच और तब तक वहां पर बिल्कुल शांति थी जब तक मैंने वहां पर मैच में कोई गड़बड़ नहीं की मैंने कोई कैच गवा नहीं दिया माय अटेंशन द मैजिक ऑफ समर हैडल फ्रॉम द गेम विच वॉज रोंग The bee, that invertrate hummer, was droning its favorite song. I was tenderly dreaming of Clara, of her, not a girl is a patch. When, ah, horror, dear soared through the ear a deadly possible catch. और मेरा सारा ध्यान सिर्फ गर्मियों की उस मैच में जो गर्मियों के दिनों में मैच था सिर्फ़ उसी पर था और उसी गर्मी की तरफ मेरा ध्यान था और जो मधुमक्खियां हैं वो भिन भिना रही थी और अपना एक आनंदमय गीत गा रही थी और मैं उस समय उनके गानों को उनकी भिन भिनाहट को सुनकर अपनी एक गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था जिसका नाम क्लैरा था फिर वहां जब मैं क्लैरा के सपनों में खोया हुआ था तो तो जो कैच था मेरे लिए जो कि सुनहरा मौका था मेरे लिए कैच पकड़ने का मैंने उसको खो दिया आई हर्ड इन अ स्टर द बॉलर एमिट Self satisfied. Ah, the small boy who sat on the roller set up an expectant hurrah. The batsman with grief from the wicket himself had begun to detach, and I uttered a groan and turned sick. It was over. I had buttered the catch. जब मैंने सुना कि जो बॉलर है उसको चक्कर आ गया तो मैंने अपने आप को सांत्वना देते हुए कहा और कुछ बच्चे जो कि वहाँ रोलर पर बैठे हुए थे वो वहाँ पर शोर कर रहे थे और जो बैट्समैन था वह विकेट खोने पर दुखद था और कि जो मैंने कैच खो दिया था उसके लिए वो दुखी दुखी था और मैं भी जो कैच खोने का दर्द था उसके कारण कर कराते हुए एक बीमार की तरफ तरह नजर आ रहा था और जो मैंने की मक्खन की तरह जो कि इतना आसान कैच था जिसको कि मैंने खो दिया था जिसको मैं नहीं पकड़ पाया जो कि मेरे हाथ से छूट गया ओह नेवर इफ आई लीव टू मिलियन शेल आई फील सच अ टेरिबल पैंग फ्रॉम द सीट्स इन द फार ऑफ पेवेलियन अ लाउड वेल Of extra seating. Thank you.